नील जानते हो, नील जो नील नहीं दी जाती सफेद कपड़ों को, मटमैले वस्त्रों पर चढ़ता है क्या? बोलो ना, वो नील भी अपना काम तब करेगा जब वस्त्र सफेद हो, शुद्ध हो, धुला हुआ हो, साफ हो। तो महाराज, मेरा आपका मन तो साफ है, शुद्ध है, तभी तो यहां तक आप आए हो। लेकिन इस मन पर सुबह से शाम घर परिवार संसार व्यापार के नियमों का पालन करते हुए माया रूपी मैल जम ही जाती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कामों में जंजाल तो है ही, तो उसकी जो माया रूपी मैल है महाराज, वो हमारे मन पर जम जाती है। तो भगवान की कथा या कोई भी सच्चा कार्य हम जब करने या सुनने चलते हैं, तो ये भगवान की कथा और सत्कर्म रूपी नील उस मैले मन पर नहीं चढ़ती। इसलिए पहले मन को साफ करना होगा। वो कैसे होता है? कहा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वह राम का दर्शन पाएगा। भगवान के नाम और आपका सच्चा कर्म ये साबुन है। इस साबुन से मन की मैल धुलती है। जब मन की मैल धुलती है, तब भगवान की कथा रूपी नील आपके मन पर चढ़ती है। इसीलिए आप सुनते हो कि एक कक्षा में, एक क्लास में मास्टर साहब ने तो सबको बराबर पढ़ाया था, लेकिन कोई डॉक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया, और कोई चपरासी भी नहीं बन पाया। पढ़े सब एक एक क्लास में थे, बस अंतर इतना था, किसी का कपड़ा साफ था तो नील चढ़ गई, और किसी का मैला था तो चढ़ नहीं पाई। तो भगवान की कथा में जहां भी जाते हो, तो महाराज गुरु की कृपा रूपी बरसात व्यासपीठ से तो सब पर एक जैसी ही होती है, लेकिन मेरी आपकी सुनने की भावना, कथा सुनने की पिपासा, जिज्ञासा, भक्ति कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि तुम पुण्य और फल कितना प्राप्त करोगे।